हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आपको बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजभवन ने कुलपति का पावर किया खत्म। छात्र छात्राओं को इस पर क्या असर होगा? क्या सही से रिजल्ट आ पाएगा? क्या सही से एग्ज़ाम आपका हो पाएगा? क्या आपका सेशन रेगुलर हो पाएगा? सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि राजभवन ने कुलपति का पावर सीज कर दिया है। आखिर क्यों इनका पावर सीज किया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके देने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आपको दिया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, आप यहां पर देख पा रहे हैं, सारण जिले से एक समय एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है, जहां जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति के नीतिगत निर्णय लेने पर राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा एक आदेश जारी कर रोक लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल के प्रधान सचिव की ओर से जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि कुलपति का कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त हो रहा है। अतः इस आलोक में कुलाधिपति सह महामहिम राज्यपाल ने सम्यक विचार उपरांत यह निर्देश देने की कृपा की है कि विश्वविद्यालय के किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार के नियुक्ति अथवा स्थानांतरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाए। फिर आप सभी को बता दूं कि जेपी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर फारूक अली, उनका कार्यकाल सितंबर महीने में समाप्त हो रहा है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने वाला रहता है तो वह कुछ गड़बड़ काम न करे, इसको लेकर के इनके नीतिगत फैसले पर रोक लगाई गई है। आगे इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के किसी भी नई योजना एवं अन्य नए कार्य जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण निर्वहन हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिए जाए। यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय के लिए जाने की आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रतर कार्रवाई की जाए। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कुलाधिपति महोदय के उपयुक्त आदेश का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। राज्यपाल सह कुलाधिपति के इस तरह के निर्णय को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। फिर यहां पर छात्रों को सबसे बड़ी टेंशन यह है कि क्या समय पर रिजल्ट आ पाएगा, क्या उनका जो सेशन अब रेगुलर मोड में जाने की ओर चल गया था, क्या उनका अब एग्जाम सही से हो पाएगा, क्या उनका जो डॉक्यूमेंट मिलता था सही समय से मिल जाएगा, क्योंकि जो VC हैं उनका वित्तीय पावर पर रोक लगा दिया गया है, उनके नीतिगत फैसले पर रोक लगा दिया गया है। तो फ्रेंड, साफ साफ शब्दों में कहा जाए, आप सभी के एग्जाम को लेकर के, आप सभी के रिजल्ट को लेकर के, आप सभी के डिग्री को लेकर के राजभवन तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है। अगर कार्रवाई नहीं करता, अगर आदेश नहीं जारी करता तो आपका इतना जल्द से जल्द एग्जाम नहीं होता। तो इनके फैसले से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी जैसा एग्ज़ाम चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, आपका और ही अच्छा तरीके से रिजल्ट आएगा, समय से आपका रिजल्ट आएगा। तो आप सभी को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।